दिन हो या रात, हर वक्त आपकी खबर आप तक, चलती हुई समय का रफ्तार। आज सुबह टाइम्स टीम की खबर, हर दम हर कदम सटीक बातें, आपकी आवाज तेज गति से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त लगभग 3-4 लाख प्रभु श्री राम जी के भक्त यहां पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भीड़ों का अंबार है अयोध्या में। और यह अयोध्या नगरी आज कितना खूबसूरती के साथ दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी 2024 के बाद यहां पर भीड़ों का अंबार लगा है और प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए सभी लाइन में लगे हैं। कितनी खुशियों का दिन है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा में आम जनमानस आज दर्शन करने के लिए कई जो है ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से और साइकिल के माध्यम से और पैदल चलकर प्रभु श्री राम जी के नगरी पहुंच रहे हैं। यह है खास आज सुबह टाइम्स आप सभी को यह दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है कि आप अयोध्या नगरी किस तरह से आज हम सभी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है। आप देखिए आज सुबह टाइम्स की खास पेशकश। जी स्वागत है सर आपका अयोध्या में। कहाँ से आए, क्या नाम है? गुजरात से आए, देवभूमि द्वारका से आए हैं और अयोध्या में आके हमको बहुत अच्छा लगता है। जी तो यह पहली बार आई हो कि? नहीं, दूसरी बार आए हैं। 2013 में आए थे, जब प्रयाग में कुंभ लगा था तब हमने मन्नत किया था कि राम मंदिर पूरा होगा तब तक हम एक ही टाइम भोजन करेंगे। जी आए हैं दर्शन करने के लिए। जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा जैसे अपने घर जैसे घूम रहे हैं, ऐसा ही लगता है जैसे अपने गुजरात में हो, वैसा लगता है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और मोदी साहब ने व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया है। जी। हम जहाँ रह रहे हैं बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा में, उधर खाना पीना रहना सब अच्छा है। भरत भाई रावल ने किया है और कमलेश भाई रावल ने बहुत व्यवस्था अच्छा किया है। आज पूरा संपूर्ण भारत जो है, भारत भर में राममय हो चुका है। आप क्या कहना चाहती, चाहे बच्चा हो, चाहे बालक हो, चाहे महिला हो, चाहे नवयुवा साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी गांव-गांव घर-घर अक्षत पहुंच रहे हैं और राममय के साथ लोगों का स्वागत हो रहा है। सुनो, राम ने जन्म दिया, राम के शरणों में ही जाना है। राम के सिवा किसी का उद्धार नहीं है, सबके आत्मा में राम रहता है। जी तो आप दूसरी बार आई हो, पहली बार जो है कैसा लगा था और आप कैसा लग रहा है अयोध्या? पहली बार आए थे तब भीड़ में जैसा लगता था, अब ऐसा लगता है कि दिवाली है। जी, घर में अपने गुजरात में दिवाली मनाएंगे। मोदी साहब भी हमारे गुजरात के हैं, हमको बहुत गौरव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी और क्या कहना चाहते हैं? बस हम ऐसा ही, बस ये प्राण प्रतिष्ठा शांति से हो जाए और अच्छे सब मनाते हैं, वैसे ही मनाए अपने घर में दिवाली जैसे मनाते हैं। दीप जला था, राम के दिए हुए ज्ञान है उसका उपयोग करें। और हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि हम जिंदा राम के पास जाएंगे, ऐसा ही लगता था कि हमारे जाने के बाद राम नाम सत्य होगा। लेकिन आज 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और योगी साहब ने राम लक्ष्मण जैसा काम कर दिया है, हमको बहुत 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 अच्छा लगता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, आप ज़्यादा मोदी जी को मानती हो या योगी जी को? मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सबके आत्मा में राम है, हम राम को मानते हैं। मोदी जी भी हमारे, राम जी हमारे, योगी जी भी हमारे, इसलिए सब राम के दिए हुए हैं और राम को मानते हैं। राम को मानेगा जो, राम का नहीं वो किसी का नहीं। जी 2024 में चुनाव है तो आप जो है क्या प्रशंसा करना चाहती हूँ, कितनी जोर शोर के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का फिर रिटर्न हो? मोदी साहब भी आएंगे वो हमारे गुजरात के। जी जी, और क्या कहना चाहती हूँ? मोदी को ही लाएंगे हम। जी जी, तो मोदी जी का जो है अहमदाबाद से कितनी दूर है आपका घर? हमारे अहमदाबाद से 400 किलोमीटर है उधर। तो जाती हो मिलने? नहीं, मिलने तो
नहीं जाते, मोदी जब आते हैं तब उसको देखते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे मतलब सामान तौर से मिलते हैं? हाँ, वो सामान ये लोग मिलते हैं, गरीब के घर चले जाते हैं, गरीब बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं। उसने तो खेती बाड़ी कुमारों के लिए, विधवाओं के लिए, बहनों है बच्चे के लिए, सबके लिए बहुत सुविधा किया है, इसलिए भाजपा ही आएगा, भाजपा ही सरकार रहेगी हमारी। तो अयोध्या नगरी आज राममय के साथ साथ व्यवस्था किया है, और हमारे कहने की क्या जरूरत है, पहले से ही ऐसा मोदी साहब ने कर दिया इधर सुविधा कि किसी को कुछ चीज की कमी नहीं पड़ती है। जी 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 जी, जी। किसी को कोई कमी नहीं है, और मोदी साहब ने बहुत व्यवस्था किया, बस ट्रेन प्लेन, हम प्लेन में आए हैं जी, स्वागत है, अकेले आए, इधर किसी का डर नहीं है। हाँ। अब तो ये भी राम राज हो गया। जी जी, अच्छा प्लेन से आई हो तो कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो डायरेक्ट मिल गया आपको अयोध्या के लिए। हाँ। अभी 30 दिसंबर 2023 को यहाँ देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है उद्घाटन किए हैं। हाँ। और बहुत ही भीड़ थी, लगभग कई लाखों की संख्या में। हाँ। तो कितना अच्छा लग रहा है कि आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है? अच्छा, इंटरनेशनल आज खास तौर से अयोध्या वासियों के लिए, जो यहाँ से जो है 150 किलोमीटर जाते थे लखनऊ, आज हम अपने घर पे ही एयरपोर्ट देख रहे हैं। भाजपा सरकार का शुक्रिया मानो, आभार मानो, उसका इतना व्यवस्था कर दिया है, इधर के लोगों की रोजी रोटी चलती रहेगी, और इतना ऑटो रिक्शा चलता है, इतना टैक्सी है, इतना दुकान होटल सब कुछ है, राम की कृपा से चल रहा है। इधर के लोगों को विनती है हमारी कि राम का नहीं हो, किसी के काम का नहीं है, अपना जो भाई भाई है उसको बोलो कि चलो राम को मंदिर दर्शन करने के लिए चलो, आज नहीं तो कल। जी, और कितना आप महसूस कर रही है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के जो है स्थान पे है, कितना सुख लगता है, कितना अनुभूति मिल रहा है? भगवान स्वयं राम जी पधार रहे हैं, मुझे इतनी खुशी मिली है कि मेरे तन मन में समा ही नहीं जाती है। जी, मुझे इतनी खुशी मिली है, आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि इतनी खुशी की बात है, बताओ। बहुत खुशी की बात है, और हम कि रघुनंदन जी 500 वर्ष बाद आ रहे हैं। हाँ। अपने महल इतने साल तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। हम जब 2013 में आए ना, तो हमने सोचा मंदिर बनेगा कि नहीं। जी जी, ताज मंदिर बन गया हमारे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।